तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हैशिंग एल्गोरिथम के बारे में। आपको हम बता दें ये हमारा दूसरा एपिसोड है। यदि पहला एपिसोड अभी तक ना देखा हो तो देख कर आइए। ये इंडिया में फर्स्ट ऐसा कंटेंट हम देने जा रहे हैं ब्लॉकचेन कोर्स का, जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया में मिलेगा। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे एफर्ट्स को सब्सक्राइब करें, हमारे इतनी मेहनत जो करते हैं इसके लिए लाइक सब्सक्राइब सब कुछ ठोक दें जो ठोकना पाएं, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ऐसा गलत बात है। तो यहाँ पे हैशिंग एल्गोरिथम को यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। आखिर यह हैशिंग एल्गोरिथम होता क्या है? क्योंकि हम हैशिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो इसके साथ ही हमें यह भी समझ आ जाएगा कि हमारी ब्लॉकचेन काम कैसे करती है, काम करने का उसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से वो काम करती है, सारा कुछ हमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हैशिंग एल्गोरिथम आखिरकार होता क्या है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा कि ब्लॉकचेन जो होती है वो इस तरह से ब्लॉक होते हैं लाइन में, और ये ब्लॉक एक चैन के द्वारा ये जुड़े होते हैं। लेकिन एक ब्लॉक पे क्या क्या होता है वो हम चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, ताकि हमें विस्तृत जानकारी यहाँ पे प्राप्त हो पाए कि एक ब्लॉक में आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले ब्लॉक का एक नंबर होता है कि ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा ब्लॉक है, ये चौथा ब्लॉक, इस तरह से एक ब्लॉक में उसका नंबर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये कितना भी नंबर का हो सकता है। तो एक ब्लॉक में ब्लॉक नंबर होता है, उसके बाद डेटा होता है। डेटा मतलब जैसे आपने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि एक ट्रांजेक्शन किया गया था 1 करोड़ रुपए का, तो उसमें जो खरीद या फरोख्त जो भी होता है तो डेटा के रूप में उसमें भरा जाता है। अभी डेटा जरूरी नहीं कि एक आपका लीजर ही हो, ये डेटा ऑडियो भी हो सकता है, एक वीडियो भी हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है। तो डेटा है ना, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है, एक प्रीवियस हैश होती है। ये प्रीवियस हैश क्या होता है? प्रीवियस हैश मतलब ये होता है, जैसे ये एक ये जो एक जैसे मान लीजिए अब एक ये जो ब्लॉक है इसके जो पहला वाला जो ब्लॉक है इसका जो हैश है उसको इस ब्लॉक का कहते हैं प्रीवियस हैश। यानी कि जो सेकेंड ब्लॉक आपको दिख रहा है इससे जो पिछला वाला ब्लॉक था उसको हम कहते हैं, इसका जो पिछला वाला ब्लॉक है इसके हैश को हम प्रीवियस हैश कहते हैं। सेकेंड ब्लॉक का यदि हम प्रीवियस हैश की बात करें तो फर्स्ट वाला प्रीवियस हैश होगा, फर्स्ट वाला ब्लॉक का हैश होगा। और ये चूंकि सेकेंड ब्लॉक का बात करें तो सेकेंड ब्लॉक का जो हैश होगा वो आएगा नीचे, यानी कि ये जो हैश है वो इसका है, ठीक है ना। और प्रीवियस हैश की बात करें तो जो सेकेंड वाला ब्लॉक के पहले है उसका हैश को हम प्रीवियस हैश कहते हैं। खैर अब हम यहाँ पे बात करते हैं ये हैश जनरेट आखिर होता कैसे है ना, क्योंकि हैश जानना बहुत जरूरी। जैसे ये मान लीजिए एक ब्लॉक है रेड कलर में आप जो देख रहे हैं इसमें इतना चीज़ें होती हैं, प्रीवियस हैश तो उसके पिछले वाला जो हैश ब्लॉक होता है उसका हैश होता है प्रीवियस हैश, ठीक है ना। और हैश जो होता है ये हैश बहुत ही यूनिक होता है, हर ब्लॉक का एक यूनिक हैश होता है, उसके पिछले वाले ब्लॉक का उसको हम प्रीवियस हैश कहते हैं, ठीक है ना। हर ब्लॉक में एक यूनिक हैश होता है, चूंकि हर फिंगरप्रिंट के हिसाब से आप देख सकते हो हर किसी का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, तो उसको हम फिंगरप्रिंट भी कहें तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हर ब्लॉक का एक यूनिक हैश होता है, यानी कि यूनिक एक फिंगरप्रिंट होता है जिससे हम उस ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अब ये हैश जनरेट कैसे होता है? ये दोस्तों जनरेट होता है एल्गोरिथम के हिसाब से। वैसे तो एल्गोरिथम मार्केट में आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन SH256 जो एल्गोरिथम है ये एल्गोरिथम मोस्टली वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है। ये SH256 जो एल्गोरिथम है ये दोस्तों मैं आपको बता दूं NSA नेशनल सिक्योरिटी जो एजेंसी है अमेरिका की उसके द्वारा 2001 की तरफ डिजाइन किया गया था, और यही दोस्तों बिटकॉइन की जो बनाया गया उसमें भी यही एल्गोरिथम को यूज किया गया है, और यही ज्यादातर मोस्टली हर तरह से यूज किया जाता है। तो SH256 एल्गोरिथम में कैलकुलेशन के जरिए इस हैश को हर ब्लॉक में जनरेट किया जाता है, तो इसी को हम हैशिंग एल्गोरिथम को चलिए और डीप में समझने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट चीज हमारे सामने आ चुकी है, यह हैश एल्गोरिथम बनता कैसे है। सबसे पहले हमारे पास क्या था? ब्लॉक था, ब्लॉक में एक डेटा था, डेटा में क्या अभी कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, उसको हम क्या करते हैं SH256 जो एल्गोरिथम है उससे हम गुजारते हैं, यानी कि उससे हम सरपास करते हैं। जब ये ऑडियो वीडियो या डॉक्यूमेंट कुछ भी जब SH256 एल्गोरिथम से पास होती है उसके बाद एक हमें यूनिक इनक्रिप्टेड डाटा मिल जाता है, ये इनक्रिप्टेड जो डाटा होता है इसी को हम हैश कहते हैं, ठीक है ना। हर ब्लॉक का यूनिक हैश होता है, और ये यूनिक हैश हमें SH256 एल्गोरिथम से निकल कर मिलता है, वो जो तो इनक्रिप्टेड डाटा होता है। और इसको हम 256 इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसके पास 64 होते हैं, ठीक ना, और हर करेक्टर में 4 बिट होते हैं, इसलिए इसको 64 × 4 रिडीम कर दें तो 256 बिट्स मिल जाएगा। कंप्यूटर की पावर को हम बिट्स के रूप में करते हैं, तो आप ये पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चीज की बात करते हैं कि अभी ब्लॉक देखिए, अब मैंने लाइन से ब्लॉक को लगा दिया ताकि आपको और ज्यादा यहाँ पे क्लियरिटी आ जाए। तो यहाँ पे ब्लॉक पहला मैंने लगाया रेड कलर में, फिर ब्लॉक मैंने दूसरा लगाया, फिर ब्लॉक नंबर तीसरा लगाया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, तीनों में डेटा कुछ ना कुछ भरा हुआ है, खैर में डेटा से मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए काम कैसे करता है, दूसरे नंबर का जो ब्लॉक है जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि दूसरे नंबर ब्लॉक में प्रीवियस हैश होता है, ये प्रीवियस हैश देखिए इसका मैंने लिया है,
और जो ये फर्स्ट ब्लॉक होता है किसी भी चैन का, जहां से पहला ब्लॉक स्टार्ट होता है, जैसे ब्लॉक नंबर एक में देखिए, इसको हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। जो पहला ब्लॉक होता है उसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, चूंकि इसका प्रीवियस हैश कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्लॉक नंबर एक से ही स्टार्टिंग हुई है, तो इसका प्रीवियस हैश क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन ब्लॉक नंबर दो का प्रीवियस हैश, ये हैश है एक, जो ब्लॉक नंबर एक का हैश है वही ब्लॉक नंबर दो का प्रीवियस हैश होता है, यानी कि पिछला वाला जो ब्लॉक है उसका हैश प्रीवियस हैश ब्लॉक नंबर दो में है ना। और ब्लॉक नंबर तीन की बात करें तो उसमें प्रीवियस हैश ब्लॉक नंबर दो का हैश है, जो दो है, ब्लॉक नंबर दो का हैश है दो, तो ब्लॉक नंबर तीन का प्रीवियस हैश क्या होगा, दो होगा, है ना। तो इसी तरह से देखिए, ब्लॉक नंबर एक में प्रीवियस हैश जीरो था, इसलिए इसका जेनेसिस ब्लॉक इसको हम कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई है। ब्लॉक नंबर दो का प्रीवियस हैश क्या है, एक है, क्योंकि ब्लॉक नंबर एक का हैश जो है वो एक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, चित्र में देखकर इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं है, मैं आपको जो समझना चाह रहा हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट की चीज की बात करता हूँ, हैश की यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम होते हैं, यहाँ पे फाइव ऐसी रिक्वायरमेंट दी गई है जो हैश एल्गोरिथम में होनी चाहिए, होती हैं। पहला क्या है, वन वे। वन वे का मतलब क्या है, इसकी जो कुछ विशेषता है वो आप समझिए। यहाँ पे कोई भी डेटा जब दिया जाता है एल्गोरिथम से गुजारा जाता है, यानी कि टू एस एच 256 से कोई भी डेटा गुजारा जाता है तो इनक्रिप्टेड डेटा के रूप में मिल जाता है ना। लेकिन कोई भी डेटा यदि आप दोगे, जैसे मान लीजिए मैंने अपना नाम शरद लिख दिया, तो यदि मैंने इसको SHA 256 एल्गोरिथम से गुजारा तो वो हमेशा ये 222 ही मिलेगा, यानी कि 222 ही मिलेगा। यदि मैंने इसमें स्पेलिंग में एक भी चेंज कर दिया तो पूरा डेटा इनक्रिप्टेड जो होगा वो बदल जाएगा। इसको हम डिटर्मिनिस्टिक भी समझ सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल लेकर भी आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए, कभी भी आप इनक्रिप्टेड डेटा से डाटा नहीं पता कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने अपना पासवर्ड, इसी तरह से देखिए पासवर्ड भी जो आपका होता है, जो सर्वर में बड़े बड़े सर्वर गूगल गूगल में एक स्टोर होता है, आप हमेशा याद रखिए आपका पासवर्ड कभी भी एक टेस्ट के रूप में स्टोर नहीं होता, वो हमेशा इंक्रिप्टेड डाटा के रूप में स्टोर होता है। यानी कि SHA 256 जब एल्गोरिथम से गुजरता है, उसके बाद जब आपका इंक्रिप्टेड डाटा जो मिलता है वही गूगल के सर्वर में स्टोर होता है। और जब कभी भी आप सुनते होंगे कि गूगल सर्वर से डाटा लीक हो गया, चोरी हो गया, तो वो जो डाटा लीक होता है वो आपका टेक्स्ट वाला जो पासवर्ड है, जैसे शरद मैंने पासवर्ड बनाया, ये लीक नहीं होता है, वो आपका लीक होता है इनक्रिप्टेड डाटा। लेकिन इनक्रिप्टेड डाटा से भी हैकर्स इसका पता लगा सकते हैं कि आपका पासवर्ड क्या था। एक चीज हमेशा याद रखिए, आप कभी भी पासवर्ड में यदि इनक्रिप्टेड डेटा का पासवर्ड यदि आप चुरा लोगे, जैसे मान लीजिए मैंने शरद पासवर्ड बनाया था और उसका इनक्रिप्टेड डेटा था 222 SHA 256 एल्गोरिथम से निकलने के बाद, यदि मैंने पासवर्ड में इनक्रिप्टेड डेटा भर दिया जहां पे आप लॉगिन करते हो, तो इनक्रिप्टेड डेटा से ओपन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए टेस्ट में ही होना चाहिए, यानी कि शरद नाम ही उसमें जब भरोगे तभी वो लॉगिन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यानी कि यदि हैकर इनक्रिप्टेड डेटा भी चुरा लेता है तो वहां पे वो कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत कुछ कर भी सकता है। कैसे कर सकता है, ये डेटा पास इनक्रिप्टेड डेटा से भी पासवर्ड आपका पता किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाने की चीज़ होती है, इतनी आसानी से नहीं होता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आके होता कैसे है, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या पड़ता है, जैसे मान लीजिए इसके वन वे का मतलब क्या है कि डेटा से आप इनक्रिप्टेड डेटा तो बना सकते हो, यानी कि शरद से इनक्रिप्ट SHA 256 एल्गोरिथम से निकलने के बाद इनक्रिप्ट तो उसको कर सकते हो, लेकिन आप ये सोचो कि इनक्रिप्टेड डेटा को हम डाल करके डेटा पता कर लें, यानी कि शरद पासवर्ड पता कर लें, सो नहीं हो सकता है। यानी कि डेटा से तो आप इनक्रिप्ट उसको कर सकते हो, लेकिन इनक्रिप्ट से डेटा आप नहीं बना सकते हो। लेकिन हैकर्स इसको कैसे आखिर पता कर लेते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है, उसके लिए एक तकनीक होती है, मैं आपको बताता हूँ टेक्निक होती है। तो यहाँ पे ये जो हैशिंग एल्गोरिथम होता है SHA 256, ये फास्ट बहुत काम करता है, यानी कि फास्ट कंपटीशन होता है। और जो इसका चौथा यहाँ पे है कि ये विदस्टैंड कोलाइजंस, ये दोस्तों बहुत ही सिक्योर होता है ना। इससे आप समझ लीजिए अवलांच इफेक्ट क्या होता है, मैं आपको अभी बताता हूँ। अब हम आपको इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो हमारे सामने SHA 256 का हैश जनरेटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेस्ट दिया, अपना पासवर्ड बनाया शरद, तो देखिए जब मैंने यहाँ पे शरद पासवर्ड शरद इंटर किया तो यहाँ पे जो हैश एल्गोरिथम हमारा ये मिला, ये वाली लाइन आप देखिए, है ना। अब इसमें हमें यदि अपने पासवर्ड में यदि हम जब गूगल के सर्वर से जो चोरी होता है डाटा, वो ये नीचे वाला चोरी होता है, ये जो हैश एल्गोरिथम से गुजरने के बाद ये देखिए जो डाटा होता है ये चोरी होता है। लेकिन हैकर इस डाटा से भी पता कर सकता है, उसके पास ये वाला डाटा आपका रहता है, कौन सा इनक्रिप्टेड वाला, यानी कि ये जो आपको नीचे इतना बड़ा लिख के आ रहा है ये डाटा, वो क्या करता है अपने सामने लिख कर रख लेता है। उसके बाद क्या करता है, कई तरह के पासवर्ड डाल डाल के देखता है। जैसे मान लीजिए मैंने शरद डाल के देखा, उसने शरद डाला और यही डाटा मैच करके, यानी कि इनक्रिप्टेड डाटा उसके जो उसने जो इनक्रिप्टेड डाटा चोरी किया उससे मैच करेगा, तो समझ लीजिए कि यही पासवर्ड मेरा है शरद। अब इसमें देखिए अवलांच इफेक्ट क्या कहता है, अवलांच इफेक्ट ये कहता है कि यदि आपने शरद में एक भी स्पेलिंग बदली, जैसे मैंने शरद का शेयर्ड कर दिया, तो देख लीजिए पूरा इनक्रिप्टेड डाटा यहाँ पे चेंज हो चुका है SHA 256 से निकलने के बाद। देखिए शरद में क्या था और अब क्या बन गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि
इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो ये होती है कि एक शब्द का एक ही डेटा बनेगा। जैसे मैंने शरद है, तो शरद का कभी ये नहीं कि इसके अलावा और कुछ निकल जाए, हमेशा यही डेटा, यही इनक्रिप्टेड होने के बाद SHA-256 एल्गोरिथम से निकलने के बाद हमेशा यही डेटा शरद का बनेगा, इनक्रिप्टेड डेटा। इसी का हैकर्स फायदा उठाते हैं और वही इनक्रिप्टेड डेटा को अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद कई तरह के जो अटैक होते हैं वो करते हैं, जैसे डिक्शनरी अटैक, कभी नाम का अटैक, कभी ये अटैक, कभी वो अटैक। जब करते हैं तो आपका एक मैच जरूर कर जाता है। जब वो मैंने मान लीजिए मैंने मुझे ये वाला डाटा आपका नीचे वाला मिल गया है, सिंगल एल्गोरिथम वाला मैंने डाटा के सर्वर से चुरा लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यही हैश जनरेटर में आ करके हम यहाँ पे बार बार डालेंगे। जैसे मेरा नाम वो डालेगा, तो जैसे ही सरल नाम डालेगा तुरंत उसको मैच कर जाएगा कि ये डेटा, नीचे वाला डेटा उसके जो पास हैकर से सर्वर ने चुराया होगा वो डेटा जब मैच कर जाएगा तो आपका जो पासवर्ड है वो मैच हो जाएगा, समझ जाएगा कि शरद नाम ही से ही पासवर्ड ओपन होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो इनक्रिप्टेड डेटा से आप कभी भी ये टेस्ट नहीं पता कर सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट से इनक्रिप्ट हो सकता है लेकिन इनक्रिप्ट से टेस्ट नहीं बन सकता है। उसके लिए ट्राई ही करना पड़ेगा, बार बार डाल के देखना पड़ेगा कि इनक्रिप्टेड डेटा से जो चोरी किया है वो डेटा मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो बार बार ट्राई करना पड़ता है, तब जाकर पता चलता है। इसलिए कई तरह के अटैक भी होते हैं, वो आगे चलकर हम पता करेंगे। आई होप आपको ये हैश एल्गोरिथम आज का पसंद आया होगा और आपको समझ आ गया होगा कि हैश एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो दोस्तों चैनल को इसी तरह के कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।